यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को पीने का पानी भी जो है कई जगह पर नसीब नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी में हरियाणा के बहादुरगढ़ के गांवों में तालाब सूख गए हैं। तालाबों के सूखने से पशुओं के लिए पीने का पानी भी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। लावा इस मवेशी पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बराही गाँव के लोगों ने तो जोहड़ में पानी की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग और भाजपा विधायक नरेश कौशिक से भी गुहार लगाई है, लेकिन अब तक गाँव के जोहड़ों में पानी भरने का इंतजाम नहीं हो पाया। तो आपको बता दें कि एक और जहां सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, तो वहीं पीने के पानी तक के लिए लोगों को मोहताज होना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ का बराही गांव ऐसा ही है जहां पर पीने तक का पानी जो है वो ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रदीप धनखड़, हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, गांव में पानी की कमी कब से बनी हुई है? युवंती का दरअसल गर्मी का मौसम आने के साथ ही गांव में पानी की किल्लत शुरू हो गई थी। गांव में पीने के पानी की समस्या तो है ही, साथ ही जो जोड़ है जहां पशु जो है पानी पीते हैं वो भी बिल्कुल सूख चुके हैं और पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। जहाँ पर पूरे गाँव की गंदगी बहकर आती है, गली नालियों का पानी वहाँ पर बहके आता है, वो जोड़ के अंदर इकट्ठा हुआ है। बाकी पीने के लायक पानी नहीं है। पशुओं को अगर वो पानी पिलाते हैं तो पशुओं में बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। साथ ही जो ग्रामीण हैं उन्होंने जन विधायक नरेश कौशिक से मिलकर मांग की थी कि उनके गांव में जल्द से जल्द पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए, ग्रामीणों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, हालांकि उनका ये कहना कि 2 तारीख के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि गाँव में पानी पहुँचाया जा सके, क्योंकि माइनर में पानी 2 तारीख को ही आएगा। जी, माइनर में पानी जो है 2 तारीख को ही आएगा, तब तक ऐसी ही समस्या बनी रहेगी। ऐसे में ग्रामीण कहाँ से पानी खरीद कर ला रहे हैं, कितने में जो है पानी खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि मवेशियों के लिए भी पानी जो है जाहिर तौर पर खरीद कर लाना पड़ रहा है ग्रामीणों को। जी बिल्कुल, जो मवेशी हैं उनके लिए भी पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। सबमर्सिबल से पानी जो निकलता है उससे पशुओं को नहलाया तो जा सकता है, लेकिन उन्हें पिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहादुरगढ़ और उसके आसपास के गाँव का जो भूमिगत जल है उसका फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण पीने के लायक नहीं है वो पानी, तो वो खरीद कर ही पानी लाया जा रहा है और टैंकरों के जरिए पानी लाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप धनखड़ तमाम जानकारी के लिए। तो पशुओं तक के लिए, मवेशियों तक के लिए पानी जो है खरीद कर लाना पड़ रहा है, पीने के पानी के लिए मोहताज हैं लोग, लेकिन अभी पानी का इंतजाम जो है ग्रामीणों के लिए नहीं हुआ है। 2 तारीख को ही माइनर का पानी जो है वो पहुंचेगा। विधायक से भी गुहार लगाई गई, लेकिन लोग जो है पानी के लिए मोहताज है। तो हरियाणा के बहादुरगढ़ में पानी की कमी बनी हुई है, यहाँ पर पीने तक के लिए पानी जो है खरीद कर लोगों को लाना पड़ रहा है। तो गर्मी आने के साथ ही पानी की समस्या भी शुरू हो गई है। हरियाणा हिमाचल से कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसी तस्वीरें हिमाचल के शिमला से है जहां पर पानी के लिए जनता मोहताज है। जी हाँ, लोगों का आधी रात को विरोध देखने को मिला है। लोगों को सप्ताह भर से पानी नहीं मिला है, जिसके चलते जनता परेशान है और सड़कों पर उतर आई है। शहर के लोअर बाजार एवं मिडिल बाजार की जनता ने पानी की किल्लत के विरोध में बीती रात 10 से 1:30 बजे तक सरकार और नगर निगम शिमला के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पानी के लिए आधी रात को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास तक रैली निकाली। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम शिमला कह रहा है कि पानी के स्रोत सूख गए हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी चल रही है। जबकि सच्चाई ये है कि पहले भी निगम के टैंकों तक गर्मियों में 30 एमएलजी से ज्यादा पानी नहीं पहुंचता था। यानी कि हर बार यही समस्या जो है लोगों के सामने देखने को मिलती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आधी रात की तस्वीरें हैं जब पानी की कमी को लेकर लोगों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि जनता सड़कों पर उतर आई और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास तक रैली निकाली गई। ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं शिमला से। उमेश, आधी रात की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कैसे शांत कराया गया लोगों को यहाँ पर? अवंतिका, देखिए शहर के हालत ऐसी होगी कि लोग अब कहने लगे शिमला केप टाउन बन गया है, कि शिमला में अघोषित तरीके से पानी का जो संकट है वो वाटर इमरजेंसी के रूप में देखने लगे। और आप सोच सकते हैं कि पानी नहीं मिलने की हालत यह है कि लोग रात भर जाके पानी का इंतजार कर रहे हैं। और बीते कल तो
आपने जो नजारा देखा, जो तस्वीरें आपने दिखाई है, लोगों का गुस्सा सातों आसमान पर। लोग रात भर जाके कल मुख्यमंत्री के घर पे जाके लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और लोगों ने आरोप लगाया कि पानी की कमी नहीं है। पानी गर्मियों में इतना ही पानी हर गर्मी में शिमला में होता है, लेकिन पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, पानी की दलाली के चलते और पानी में कुछ माफियाओं का हाथ होने के चलते आम जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। और आलम ये था कि लोग कल रात लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंचे, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और आरोप लगाया कि शिमला में पानी बेचा गया और आम लोगों को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। उमेश, कैसे कैसे लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया, क्या आश्वासन दिया गया लोगों को? देखिए, लोगों को यही बताया गया कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, नोडल अफसर लगा रहे हैं, पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, तमाम बातें की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे आश्वासन उतरते दिखाई नहीं दे रहे। आज कुछ घरों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग आज उन घरों में 15 दिन हो गए पानी नहीं पहुंचा, तो आप अंदाजा लगाते हैं लोग फिर भी शांत हो गए। जिस तरह से लोगों का गुस्सा है उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति सुलझे, सरकार को टाइम दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि रसूखदारों को, होटल वालों को और जिनकी पहुंच है, जिनकी पहचान है, उनको पानी दिया जा रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अंतिका, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, उनके जो जजेस है, उनके जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने आज काम करने से एब्सटेन किया, उन्होंने आज काम करने से मनाई की। शहर में पानी नहीं है, उसके विरोध स्वरूप जनता के साथ कहने के लिए शिमला हाई कोर्ट बार बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उन्होंने भी आज हाई कोर्ट में काम करने का बहिष्कार किया है। उन्होंने जनता के साथ खड़े होने के लिए, स्वरक्षा दिखाने के लिए आज कोर्ट के काम का बहिष्कार किया। और कोर्ट के काम के इस मामले को लगभग 12:30 बजे हाई कोर्ट में एक बेंच बैठने वाली है, उस बेंच के मामले को उठाने जा रहे हैं। और हाई कोर्ट के जो वकील है, जो एसोसिएशन के सदस्य हैं, बार एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि रसूखदारों को पानी दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर समस्या बड़ी है, क्योंकि पीने के पानी जैसी जो मूलभूत, जो सबसे पहली जरूरत होती है जीवन के लिए, उसी की कमी है। आपने कहा कि 15 दिन से कई घरों में पानी नहीं पहुंचा है, उमेश, तो कैसे लोग यहाँ पर काम चला रहे हैं, कैसे जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पर लोग? अंतिका, आप समझ सकते हैं, लोग अब ये कहने लगे शिमला से प्लान करना पड़ेगा, शिमला छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से शिमला में डिग्निटी पे आते हैं, कोई बड़े मौजूद व्यक्ति आते हैं, तो शहर छोड़ने के लिए लोग बाधे हो जाते हैं, व्यवस्था हो जाती है। आपने देखा होगा स्कूल में छुट्टियां कर दी गई थी, स्कूल का टाइम बदल दिया गया था, तो लोग अब कहने लगे हैं कि हालत ये हो गई कि अब हमें अपने बच्चों को लेके गाँव जाना पड़ेगा, शिमला छोड़ के जाना पड़ेगा। इतनी बदतर स्थिति शिमला में कभी नहीं हुई है, हालांकि 2016 लगातार इस तरह की स्थिति होती रही, लेकिन पानी ऑल्टरनेट डे पे लोगों को दिया जाता रहा, लेकिन इस बार जो हालत है वो बद से बदतर हो गए हैं। अब लोग ट्राई ट्राई करने के बाद अब सड़कों पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले में लोग ट्राई माम कर रहे हैं, छोटे छोटे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी निगम प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ उनको काम करना चाहिए था, जनता को, लोगों को कॉन्फिडेंस लेके काम करना चाहिए था, जहाँ पानी नहीं है उनको पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो त्राही त्राही जनता कर रही है, पानी की समस्या बनी हुई है, जीवन के लिए जो सबसे पहली जरूरत होती है पानी, उसी की कमी देखने को मिल रही है। 15 दिन से कई घरों में पानी नहीं पहुंचा है, तो इससे अपने आप में जाहिर हो जाता है कि समस्या कितनी बड़ी है। और इसी विकराल समस्या से जूझते लोग जो है, नौबत इतनी आ गई कि लोगों को आधी रात को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बीती रात की है, जब रात करीब 1:30 बजे तक लोग सड़कों पर उतरे रहे, मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे रैली करके और मांग उठाई कि पानी जो है वो कम से कम जनता को दिया जाए। अब लोग कह रहे हैं शिमला के कि पलायन करने जैसी स्थिति आ गई है शिमला में।